नागरिकता संशोधन एक्ट पर जारी देश भर में विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में रैली को संबोधित किया। इस सभा में राहुल ने रोजगार और सीएए के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जयपुर की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि देश के हालात इस देश का हर युवा जानता है। हर देश के पास कोई ना कोई पूंजी होती है। भारत की सबसे बड़ी पूंजी उनके युवा है। हथियारों से हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास दुनिया के सबसे होशियार युवा हैं। कांग्रेस नेता बोले कि लोग अपना पैसा हिंदुस्तान में इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि उन्हें युवाओं पर भरोसा है। मैं दुख से कहता हूं कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान अपनी पूंजी को बर्बाद कर रहा है। युवाओं को आज पीएम मोदी रोक रहे हैं और युवाओं को आज बेरोजगारी का सपना दिखता है। राहुल ने कहा कि आज भी एक 8 वर्षीय बच्चे से पूछें, क्या नोटबंदी से आपको लाभ हुआ या नुकसान? बच्चे कहेंगे नुकसान। उन्होंने कहा कि पहले हम चीन के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन अब दुख की बात है कि चीन ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया है। पूरी दुनिया को पता है कि अगर कोई है जो चीन को टक्कर दे सकता है तो ये भारत का युवा है। पुनिया जी, एनएसयू के प्रदेश अध्यक्ष, उपस्थित तमाम युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो युवाओं की लड़ाई, जयपुर से राहुल गांधी ने शंखनाद किया, युवा आक्रोश रैली को संबोधित राहुल गांधी ने किया। और साथ ही अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि दुनिया का सबसे होशियार युवा अगर किसी के पास है, युवा शक्ति अगर किसी की सबसे ज्यादा होनहार होशियार है, तो वो भारत की है। धन्यवाद। और साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जिस घड़ी की हमें सुबह से हम इंतजार, कांग्रेस के सभी नेतागण कि हमारे इस रैली में मौजूद रहे। पिंक सिटी से पूरे देश को संदेश राहुल गांधी ने किया। भारी संख्या में राहुल गांधी की रैली में युवा पहुंचे। राहुल जी, और साथ ही राहुल गांधी ने यहां पर कहा कि भारत का युवा सबसे ज्यादा होशियार है। और साथ ही रैली के लिए कांग्रेस ने नारा भी दिया कि मोदी है तो मंदी है। ये नारा कांग्रेस की ओर से दिया गया। हमारे पास तेल नहीं है। काफी समय से राहुल गांधी की इस रैली को लेकर तैयारियां चल रही थी और आज हिंसा के माहौल में ये रैली राहुल गांधी की सफल हुई। जयपुर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहे, कोई अव्यवस्था यहां पर नहीं हुई। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर थी। सीसीटीवी लगाए गए थे, ड्रोन की नजर से पूरे शहर में चाक चौबंद सुरक्षा रखी गई। मत करो, मैं बैलेंस चाहता हूं। और साथ ही राहुल गांधी ने युवाओं को यहां पर संबोधित किया। पूरा का पूरा फायदा 15-20 उद्योगपतियों को दिया, 100 को नहीं। ता है और पहचानता है। हर देश के पास कोई ना कोई पूंजी होती है। अमेरिका के पास बड़े बड़े हथियार, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, एयरफोर्स, आर्मी। सऊदी अरेबिया के पास तेल। और हिंदुस्तान के पास आप लोग, हमारे करोड़ों युवा। हमारे पास और कुछ नहीं है। हमारे पास तेल नहीं है। अमेरिका का हम मुकाबला हथियारों से नहीं कर सकते, मगर हमारे पास दुनिया के सबसे अच्छे होशियार युवा हैं, आपके सपने। और जब मैं कहता हूं हमारी पूंजी है, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सपनों की बात कर रहा हूं, मैं आपके ज्ञान की बात कर रहा हूं, आपके समझ की बात कर रहा हूं। पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को मान के चलती है कि हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं,
देश को नहीं दुनिया को बदल सकता है। जिस प्रकार से ढाई डाइवर्ट करने के लिए ये लोग नागरिकता अधिनियम नया लेके आए हैं, किस प्रकार से ये एनआरसी की बात करते हैं, ये तमाम बातें खोखली बातें हैं, इम्प्रैक्टिकल है। आसाम हमारे सामने उदाहरण है, ये लागू नहीं होने वाला है। उसके बावजूद भी युवाओं का ध्यान भटकाने के लिए, देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए जानबूझ कर ये बातें करने लगे हैं। इन चालों को आपको हमें कुछ समझना है। लंबे अरसे से इनके पास कोई ना सिद्धांत है, ना कार्यक्रम है, ना सिद्धांत है, ना इनके कोई सोच है। इसलिए जानबूझ करके कभी 370 की बात करेंगे, कभी मंदिर की बात करेंगे, कभी एनआरसी की बात करेंगे। युवाओं के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। आज मैं देख रहा हूँ सैलाब उमड़ पड़ा है एनएचए का, यूथ कांग्रेस का, साथियों का, पूरे प्रदेश से आप आए हैं। राहुल गांधी जी का संदेश सुन के आपका आना तभी सार्थक होगा। यहाँ जाने के बाद में आप अपने में जिले के अंदर, ब्लॉक के अंदर, विश्वविद्यालय में, कॉलेज के अंदर उनके संदेश दें। हिंदुस्तान और राजस्थान में जिस प्रकार से आर्थिक प्रहार नौजवानों पर किया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन दिल्ली में राज करने वाले लोगों को नौजवानों की दिक्कत परेशानियों से कोई परवाह नहीं पड़ती। आज उनका ध्यान इस तरफ लाने के लिए, नौजवानों को आज जो पीड़ा हो रही है उसके साथ अपने आप को जोड़ने के लिए तमाम नेतागण और विशेष रूप से आज राहुल गांधी जी हमारे बीच में आए हैं। साथियों, आज इस प्रदेश की राजधानी में इस सभा को हम आयोजित किस लिए कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में संदेश जाएगा कि नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम सब लोग संघर्ष करेंगे ताकि दिल्ली में राज करने वाले लोगों की नींद टूटे और उन्हें लगे कि आज हमारा नौजवान परेशान है, बल प्रयोग हो रहा है, पुलिस कॉलेजों में जा रही है, यूनिवर्सिटियों में जा रही है, लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा किया है। इस सब के सामने आवाज उठाने का काम राहुल गांधी जी करने जा रहे हैं।